कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में उन्हें जानते हैं। सेवा दल के माध्यम से अनुशासन और सेवा धर्म का पालन करते हुए वो लगातार कई दशकों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी हां, आपने ठीक पहचाना, वो कांग्रेस झुंझुनू सेवा दल अध्यक्ष तारा चंद सैनी, जिन्हें लोग तारा चंद प्रधान के नाम से ज्यादा जानते हैं। नवलगढ़ से जुड़े हुए तारा चंद प्रधान लगातार सक्रिय राजनीति में आगे रहने वाले चेहरे के रूप में है। कांग्रेस में वर्तमान में इनको गुजरात चुनाव में वॉर टीम में शामिल किया है। सभी जिम्मेदारियों को निभाने में निपुण है तारा चंद प्रधान। आज बात करते हैं हमारे सीनियर एडिटर हुकुम सर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। आज हम मौजूद है कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता के साथ में जिन्होंने पिछले राजनीति की जब से ABCD या कैकड़े सीखा है तब से लेकर और आज तक लगातार कांग्रेस के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पहचान को स्थापित किया है। कांग्रेस सेवा दल जैसे अनुशासन सीख कर और कांग्रेस को हमेशा मजबूत किया है। झुंझुनू जिले में एक जाना पहचाना नाम है, यह कहे कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में उन्हें लोग पहचानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं और आपने सही अनुमान लगाया है, ताराचंद जी सैनी उनका नाम है, कांग्रेस सेवा दल से वर्तमान में जिला अध्यक्ष पद में भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में ताराचंद जी। थैंक्स। किस तरीके से राजनीति की शुरुआत हुई और वो भी कांग्रेस के साथ में? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा परिवार शुरू से कांग्रेसी रहा है। मेरे बड़े भाई शिवपाल जी सरपंच, जो आज़ादी के बाद पहली बार जब राजस्थान में सरपंच के चुनाव हुए तब से लेके 27 साल लगातार सरपंच रहे, उनके निधन के बाद मैं 1990 में पहली बार यूथ कांग्रेस का, नवलगढ़ ब्लॉक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। उसके बाद में मैं 97 में जिला यूथ कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना। उसके बाद में लगातार मैंने कांग्रेस जिले की कार्यकारिणी में काम किया और 2004 में मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और मैं अच्छे मार्जिन से, मेरे पंचायत के लोगों ने मुझे, मेरे ऊपर विश्वास जताया। 2004 में जब मैं पंचायत समिति में उपप्रधान बना तो उसके बाद मुझे पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी एक सेवा दल के जिलाध्यक्ष के रूप में दी। उसमें मैं 2004 से 2017 तक लगातार कांग्रेस सेवा दल में रहा और मैंने जिले में प्रत्येक गांव में सेवा दल के कार्यकर्ता तैयार किए और वर्तमान में भी मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसके लिए काम करूँगा। अभी पिछले दिनों आपको, पिछले दिनों कहें तो यह गुजरात चुनाव आ रहा है। गुजरात चुनाव में राजस्थान के टॉप अच्छे कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जो पूरे हिंदुस्तान की एक वार टीम तैयार की है, आपको उस वार टीम में शामिल किया गया है। जी, एक उपलब्धि है आपके उस जो आपकी शैली है उसके लिए या एक विशेष कार्यकर्ता हैं, तो किस तरह की प्लानिंग है गुजरात में, किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे आप, क्योंकि गृह क्षेत्र है मोदी जी का, अमित शाह का। देखिए, माननीय राहुल जी ने और राजस्थान के जननायक अशोक जी गहलोत ने गुजरात की जिम्मेदारी देकर जो विश्वास मेरी कार्यशैली पे जताया है, मैंने लगातार संगठन का काम किया है, चार चुनाव पंचायत समिति के लड़े हैं, मैं अपने अनुभव को चुनाव में किस तरह काम किया जाता है उस पूरे अनुभव के साथ गुजरात जाऊंगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ मोदी जी भी, उनका गृह क्षेत्र है, अमित शाह जी भी हैं, लेकिन देखिए आप पिछले दिनों देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने जनहित के खिलाफ के जो फैसले किए हैं, गुजरात में अगर आप जाएंगे तो वहाँ विकास गायब सा हो गया है। विकास को लोग खोज रहे हैं, वहाँ ढूंढ रहे हैं, विकास पागल हो गए हैं, विकास को ढूंढ रहे हैं, विकास कहाँ है, लोग पूछते हैं हमसे कि विकास कहाँ है। ऐसी परिस्थितियों में गुजरात की जनता कांग्रेस के साथ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि गुजरात की जनता पूर्णतः बदलाव के लिए तैयार है। माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने वहाँ के लोगों से जो 22 साल में वादे किए
उनमें से 90% वादे उनके अधूरे हैं। उन्होंने हमेशा, आप देख लीजिए मैं क्या कहूँ आपको, 2 करोड़ लोगों को एक साल में नौकरी देने का वादा, मैं तो उसको झांसा कहूँगा, झांसा दिया है। 15 लाख लोगों को 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में आएंगे। इस तरह के अनेक वादे, काला धन 100 दिन में लाऊंगा, फांसी दे दीजिए, इस तरह के झूठे वादे करके जुमले साबित हो गए। ये जुमले साबित तो हुए ही हैं। अमित शाह जी ने कहा था सब, अमित शाह जी ने तो बिल्कुल क्लियर कहा था कि ये तो चुनावी जुमले हैं। अच्छे दिनों वाली सरकार, हाँ अच्छे दिनों की सरकार है, आपके सामने है, जनता के सामने है। मैं आपको एक बात क्लियर, लेकिन जैसे बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जिस तरह की मतलब आप गुजरात में आपका जो एजेंडा रहेगा जी ठीक है, लेकिन उस एजेंडे के पिछले दिनों शुरुआत में माननीय गहलोत जी जब गए तो समर्थकों द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाए, वो वीडियो भी काफी चर्चा में रहा जी, तो क्या वाकई मतलब जनता नाराज है या कांग्रेस की शैली के वक्ता के रूप में आपके जो संबंधन आ रहे हैं, क्या फीडबैक है वहाँ का? देखिए मैं आपको बताऊँ, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अपनी सभाओं में भीड़ के लिए एक बायर कर रखा है, मतलब लोगों को, उन लोगों को जो लोग बेचारे बेरोजगार हैं उनको 500 रुपये 1000 रुपये दे करके, ये मोदी मोदी का नारा लगाने की जो परंपरा, आप जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो US में गए, वहाँ मोदी मोदी, अब जाते हैं, अब क्यों नहीं लगते वो नारे, अब क्यों नहीं लगते वो नारे? इसलिए नहीं लगते साहब कि अब लोगों को इनकी हकीकत सामने आ गई, अब लोग मोदी जी का नाम लेने से कतरा रहे हैं। मान लीजिए गुजरात में कांग्रेस जीत गई तो फिर राजस्थान में गहलोत जी और भी ज़्यादा सशक्त होंगे? देखिए गहलोत जी की सशक्त की बात तो मैं क्या कहूँ, गहलोत जी तो वैसे ही सशक्त हैं। आप देखिए गुजरात की जिम्मेदारी, जिस दिन से गहलोत साहब गुजरात गए हैं, आज गुजरात को आप देखिए, बच्चा बच्चा कांग्रेस का नाम ले रहा है, कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहा है, वहाँ का युवा वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, तो ये सारा गहलोत जी की देन है। गहलोत जी कहीं भी कमज़ोर नहीं थे। जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में पायलट जी का एक अपना बड़ा मजबूत धड़ा है, CP जोशी जी भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो खेमेबंदी है कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचा रही है, चाहे आप मना करें, तो गुजरात चुनाव का अगर रिजल्ट आपके फेवर का होता है, कंप्लीट ना माने तो अच्छा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कह दें, तो उस स्थिति में क्या होगा राजस्थान की कांग्रेस? देखिए गुजरात चुनाव तो हम जीतेंगे, कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस में है, जनता उनकी नीतियों से उब चुकी है। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में पायलट साहब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी जगह हैं, गहलोत साहब 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उनका कद अलग है, CP जोशी जी भी राजस्थान में बड़ा, उनका भी बड़ा प्रभाव है, तो सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। रही बात आप मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री की, तो मैं तो ये कहूँगा कि आलाकमान फैसला जो भी करेगा, हमारे सारे नेता, चाहे पायलट साहब हों, चाहे गहलोत साहब हों, चाहे CP जोशी जी हों, एक सवर में आलाकमान का जो भी फैसला होगा सम्मानित। आलाकमान के रूप में जिस तरीके से ताजपोशी हो रही है, या PCC सदस्य जिस तरह से निर्वाचित किए गए हैं जी, राहुल गांधी की ताजपोशी निश्चित तौर से, पायलट साहब बहुत नज़दीक है राहुल गांधी के जी, तो संभावना ज़्यादा पायलट धड़े की है क्या फिर? देखिए नज़दीकियाँ अलग बात हैं, फैसला चाहे वो पायलट साहब के पक्ष में हो या गहलोत साहब के पक्ष में हो, फैसला आलाकमान बहुत ही सोच समझ के राजस्थान की जनता की भावनाओं के अनुरूप करें। हम बात कर रहे हैं ताराचंद जी सैनी साहब से, और ब्रेक के बाद में जानेंगे उनके गृह क्षेत्र, उनके गृह जिले की राजनीति, घटनाक्रम के उथल पुथल को लेकर, मिलते हैं ब्रेक के बाद में। हिंद वस्त्र भंडार, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे ओढ़ना, घाघरा, परिवेश, बेल बूटी, ओजरिया, चुनरी, साड़ियां, सलवार सूट, सूटिंग शर्टिंग, स्कूल ड्रेस, फैंसी आइटम, बच्चों के खेलने का सामान, मेकअप, शादी विवाह की ड्रेसअप, साफे, शेरवानी सहित एक ही छत के नीचे है उपलब्ध, और वो नाम है हिंद वस्त्र भंडार।
एक विश्वास जो काफी वर्षों से ग्राहकों के बीच बना हुआ है। ग्राहक यह आकर खरीदारी करना करते हैं पसंद। पता मुख्य बाजार शिव मंदिर के पास नानसा गेट नवलगढ़। संपर्क करें 9468821000 पर। साथ ही हिंद वस्त्र भंडार की नई पहल हिंद फायर वर्क्स। स्टेज के लिए बिजली से चलने वाले पटाखों का विशेष प्रबंध। हमारे यहाँ शादी पार्टी व त्योहारों के लिए पटाखे होलसेल रेट में मिलते हैं। पता नवलगढ़ रोड कोलसिया। संपर्क करें 9468821000 या फिर 9396963811 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। हम बात कर रहे हैं ताराचंद जी से। ताराचंद जी, शनि साहब, जिस तरीके से आपका जो नाम है गहलोत धड़े से जुड़ा हुआ है, आप एक अच्छे वक्ता भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपका एक स्पीच बहुत चर्चा में रहा था कि आपका जो स्पीच रहा था वो नवलगढ़ की राजनीति में निर्णायक था। कुछ ऐसे विश्लेषण आ रहे हैं कि सामने बीजेपी से सैनिक कैंडिडेट थे लेकिन आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी के फेवर में आपने स्पीच दिया था कांग्रेस सेवा दल जैसे अनुशासन में रहकर, तो कहाँ इस तरह के आरोप लगते हैं, कितना क्या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार और कांग्रेस पिछले चुनाव में एक तरह से दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस के ही माने जा रहे थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार हो, चाहे मेरी जाति का हो, किसी भी समुदाय से हो, मुझे तो एटलीस्ट कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ ही जाना था। तो हमारे दोनों में से जो जीतने वाला उम्मीदवार था, हम लोग उनके साथ जुड़ के और कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया हमने। तो कहीं ना कहीं उसके बाद में जिनके लिए आपने काम किया उन्होंने कांग्रेस को समर्थन भी दिया। हाँ, लेकिन इन दिनों आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, उनके साथ में इस तरह की चर्चा आ रही है। देखिए, आप खुद भी दावेदार हैं नवलगढ़ से। ना, आप ठीक कह रहे हैं, राजनीति में कोई भी साधु बनने नहीं आता, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं और हर आदमी राजनीति के उच्च स्तरीय मुकाम को पाना चाहता है। रही बात ट्यूनिंग की, तो वर्तमान हमारे विधायक जी हैं, उनकी जो कार्यशैली है उनको लेकर के हमारे बीच में थोड़ा सा हो सकता है, बाकी कोई मनमुटाव वाली कोई ऐसी बात है नहीं। ऐसी बात नहीं है, तो फिर आपकी दावेदारी को लेकर जो एफर्ट लगना चाहिए उसमें फिर कमी आ सकती है। मतलब आक्रामक इज द बेस्ट डिफेंसिव, तो क्या फिर माने ताराचंद जी दावेदारी में कितने आगे रहेंगे जताने को लेकर? देखिए, दावेदारी तो मजबूती से होगी, क्योंकि मैंने तो 1990 से लेकर आज तक कांग्रेस में हमेशा एक सच्चे सिपाही के रूप में काम किया है। और वर्तमान में जो लोग टिकट मांगेंगे, जिनके लिए आप कह रहे हैं, उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ बार बार धोखा किया है, तो वो तो पार्टी फैसला करेगी किसको। झुंझुनू जिले में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है, ऐसे कुछ आंकड़े आ रहे हैं, मान रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, झुंझुनू जिले में पूर्णतः हम सातों सीटें जीतेंगे। लेकिन गुटबंदी बहुत है, तो क्या गुटबंदी फिर कंप्लीट नुकसान की स्थिति में नहीं है? देखिए, कांग्रेस शर्मन जी का अलग धड़ा है, गोड़ा परिवार का अलग धड़ा है, राजकुमार शर्मा का अलग धड़ा है, रीटा जी अलग है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वहाँ जमानत खो चुके थे पिछले चुनाव में। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में छोटी मोटी आपस में मनमुटाव भी होता है, सारी चीज़ों पे पूरे एक परिवार में ही सब लोग सहमत नहीं हो सकते। कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है। रही बात मनमुटाव की, तो अब छोटे मोटे आपस में जो मनमुटाव है, चुनावों के समय हमारे सारे नेता, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हम बैठ करके हमारे आपस के जो भी हैं मनमुटाव उनको दूर कर लेंगे। बार रूम में आप शामिल हुए जी, लेकिन पीसी सदस्य के रूप में थोड़ी दूरी रह गई जी। सैनी समुदाय को लेकर चर्चा भी रही बिल्कुल, हालांकि बाद में ओला धड़े ने सुमित्रा सैनी को शामिल किया जी। लोग कहते हैं ताराचंद जी का नाम पहले आना चाहिए था। देखिए, पीसीसी सदस्य स्थानीय लीडर हमारे जो विधानसभा में चुनाव हारे हैं, जीते हैं,
उनकी अनुशंसा पर बनाए जाते हैं। अब वो उनका लुकआउट था कि वो तारासन जी को बनाए या सुमित्रा जी को बनाए या न बनाए, जो स्थानीय लीडर थे। अब नवलगढ़ से जैसे आप कह रहे हैं मेरा नाम आना चाहिए था, लेकिन वो तो वहाँ के जो लोकल लीडर है वहाँ से, उन्होंने मेरा नाम नहीं दिया तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। ऊपर से तो कोई थोपा नहीं जाता। कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत पीसीसी आपसे मिलता जुलता नाम भी आया था। लिंग अलग हो सकता है, महिला थी, सरपंच सरपंच का नाम आया था, तो उसी धड़े से हैं या वो दूसरे धड़े से? देखिए कांग्रेस आप इसको दड़ा कह सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा वो भी कांग्रेस से हैं और ये भी कांग्रेस। पिछले दिनों आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया, बहुत अच्छी संख्या थी, हजारों की संख्या थी, और कांग्रेस का वहाँ पर एक बड़ा क्रेज हुआ है, माहौल हुआ है, लेकिन उसे हाईजेक कोई और करके ले गया, ऐसी भी कुछ चर्चाएं आई। देखिए प्रोग्राम उसको लेकर विवाद भी उस समय कुछ ऐसे कन्फ्यूजन कार्यकर्ता हो गए, क्या हुआ उस समय? मानी गलो जी का प्रोग्राम के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। मानी गलो जी का 13 अगस्त को नवलगढ़ में प्रोग्राम था, महात्मा माँ सावित्रीबाई फुले की मूर्ति के अनावरण के संबंध में। तो उस प्रोग्राम में हम लोगों ने गांव, हर गांव में, ढाणी में जाके, हर मोहल्ले में जाके, हर समुदाय के लोगों से संपर्क किया, और उसका परिणाम ये आया कि कार्यक्रम राजस्थान स्तर पर सराहा गया और एक मैसेज गया कि नवलगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है और नवलगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। अब रही बात आप जो श्रेय की कह रहे हैं, श्रेय तो देखिए वो अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने तरीके से बांट लेते हैं, लेकिन श्रेय वाली कोई बात नहीं थी, पूरी कांग्रेस मंच पे थी। वहाँ पर आपके विजेंद्र जी भी थे, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रवान जी थे, बीजेपी के चेहरे भी थे, कांग्रेस के चेहरे भी थे, बीजेपी के भी आ गए थे कुछ सामाजिक दृष्टिकोण क्या कुड़ी। हाँ वो उस कार्यक्रम में इनवाइट सबको किया गया था, तो जो भी आया उनका स्वागत हमने किया। बाकी सारा प्रोग्राम माननीय अशोक जी गहलोत को लेकर के बनाया गया था, उन्हीं के उनका जो स्वागत हुआ वो आपके सामने था, आपने भी देखा है, पूरे मीडिया में वो प्रोग्राम आया है, पूरी राजस्थान की जनता ने उस प्रोग्राम को देखा है, किसने करवाया, किसने मेहनत की, ये तो नवलगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है कि उस प्रोग्राम को हाईजेक कौन करना चाहता था। आने वाले दिनों में किस तरीके से ताराचंद जी को हम देखेंगे? देखिए मैं आपको क्लियर बता दूँ कि नवलगढ़ में एक वातावरण बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, और मैं लगातार पिछले 27 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, और जहाँ तक माननीय पायलट साहब से, माननीय गहलोत साहब का सबका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। अगर उनका आशीर्वाद टिकट के रूप में मिला तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि नवलगढ़ की टिकट कांग्रेस ही को ही मिलेगी, दूसरे जो विचारधारा रखते हैं, जो कांग्रेस को बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को अब की बार टिकट नहीं मिलेगी। एक अंतिम सवाल मेरा, जिस तरीके से आपने कहा कि आपको गहलोत जी, पायलट साहब, सबका आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो गहलोत जी के धड़े से संपर्क होने का आपको नुकसान भी है। कैसे जी? जिस तरीके से आप जिस समुदाय से हैं, ऊपर के समुदाय में, उसी समुदाय में गहलोत जी हैं जी, तो क्या मानते हैं कि आपको राजनीतिक रूप से पायलट साहब के नज़दीक आना चाहिए? देखिए पायलट साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे ऊपर बहुत उनका स्नेह है, हर कार्यक्रम में वो मुझे बड़ा सम्मान देते हैं। और रही बात जाति की, बात समूह की बात, तो न तो हमारे कांग्रेस की ये परंपरा है, न हमारे नेताओं की ये परंपरा है कि हम किसी जाति विशेष से अलग बात करें, ऐसी कांग्रेस में कोई परंपरा। हम बात कर रहे थे ताराचंद जी से, और सभी सवालों के बहुत बहुत संजीदगी से या कहें कि बहुत सूझबूझ से उन्होंने जवाब दिए, और वाकई एक मजे हुए राजनेता के रूप में उनकी पहचान है, क्योंकि वाक्य चाटुता पे वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 100% वो एक प्रखर वक्ता हैं। फिर मिलते हैं किसी खास शख्सियत से। दीजिए जा दिखती राजस्थान टाइम्स, और हमारे चैनल राजस्थान टाइम्स को भी कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए। नमस्कार।